राज्यसभा चुनाव के लिए दौड़ तेज हो चुकी है। अगले महीने चुनाव होने हैं, लिहाजा हर पार्टी में प्रत्याशियों को लेकर मंथन का दौर जारी है। मंगलवार से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। उधर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता दोबारा नामित किए जाने की आस लगाए बैठे हैं। इनमें कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा और पी चिदम्बरम जैसे दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। वहीं राज्य की इकाइयां प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए माहौल बनाने में जुटी हैं। सियासी गलियारों में पूरी चर्चा है कि प्रियंका गांधी का प्रमोशन हो सकता है और उन्हें पार्टी राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि पार्टी सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि आधे उम्मीदवार युवा रक्षक और आधे दिग्गज होंगे। पार्टी की कई राज्य इकाइयां जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए पिच कर रही हैं। कर्नाटक कांग्रेस अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को बढ़ावा देने के लिए प्रियंका को राज्य से राज्यसभा के लिए उतारने पर विचार कर रही है। खबरें हैं कि कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डी के शिव कुमार और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया पहले ही प्रियंका गांधी से संपर्क कर चुके हैं। उन्होंने कथित तौर पर कांग्रेस नेता को समझाया है कि उनकी दादी दिवंगत इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी ने पहले कर्नाटक से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। जहां इंदिरा गांधी ने साल 1978 में चिकमंगलूर से चुनाव लड़ा था, वहीं सोनिया गांधी ने साल 1999 में बेल्लारी से चुनाव लड़ा था। दोनों दिग्गज कांग्रेस नेताओं के कर्नाटक से चुनाव लड़ने पर पार्टी को फायदा हुआ था, इसलिए कर्नाटक कांग्रेस अब प्रियंका गांधी को राज्य से राज्यसभा के लिए मैदान में उतारना चाहती है। उधर सूत्रों का कहना है कि सिब्बल को पिछली बार की तरह उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का समर्थन मिल सकता है। उन्हें सपा और उसके सहयोगियों के अतिरिक्त वोट मिल सकते हैं। जीत के लिए लगभग 35 मतों की आवश्यकता होती है और अपने तीसरे उम्मीदवार को आवश्यक संख्या में वोट मिलने के बाद सपा गठबंधन के पास लगभग 20 अधिशेष वोट होते हैं। अगर बीजेपी अपना 8वां उम्मीदवार उतारती है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। राज्यसभा में इस बार एनडीए को नुकसान और यूपीए को फायदा मिलेगा। 10 और 13 जून को 15 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होगा। एनडीए को इस बार 7 से 9 सीटों का नुकसान हो सकता है, जबकि यूपीए को 2 से 4 सीटों का प्रॉफिट होगा। बता दें कि राज्यसभा की 59 सीटों में से बीजेपी के पास 25, जेडीयू के पास 2 और एआईएडीएमके के खाते में 3 सीटें हैं। वहीं यूपीए की बात करें तो कांग्रेस के पास 8, डीएमके के पास 3, शिवसेना और एनसीपी के एक एक सांसदों को कुल मिलाकर संख्या 13 पहुंचती है।